आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ बीएससी के साथ साथ कौन से ऐसे कोर्सेज हैं जिन्हें आप करके आसानी से जॉब पा सकते हैं। सो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और वो ये सोचते हैं कि हम अपनी फैमिली की कैसे हेल्प करें, उनकी कैसे सपोर्ट करें, पढ़ाई करके कामयाब हो जाएं और अपना का जो खर्च होता है वो खुद उठाएं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है क्योंकि कॉलेज में स्टूडेंट्स जाते ही क्या होता है, उनके सर पे बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाई हूँ। फर्स्ट है आपका टीचिंग। टीचिंग इज़ बेस्ट जॉब और ये आपका रिस्पेक्टिव जॉब भी है। आप क्या कीजिए, बच्चों को सबसे पहले ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कीजिए। स्टार्टिंग में तो आपके पास एक से दो बच्चे होंगे लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ेंगी। जैसे कि जब मैंने YT पे वीडियो अपलोड किया था तो मेरे पास 0 सब्सक्राइबर थे, लेकिन आज के दिन में देखिए मेरे पास कितने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसी तरह आपके पास भी स्टूडेंट्स की संख्या दिन पे दिन बढ़ती जाएगी और जितने भी बच्चों के डाउट्स होंगे, बच्चों के साथ साथ आपके भी डाउट्स क्लियर होंगे, क्योंकि आप खुद भी बुक पढ़ेंगे और उनको तब जाके पढ़ाएंगे और उन्हें खुद का नोट्स प्रोवाइड कीजिए। सो इससे आपके बहुत सारे नॉलेज गेन हो सकते हैं। आप बच्चों को टीचिंग पढ़ाना जरूर स्टार्ट कीजिए। इसके बाद से आपका आता है बीएससी के साथ साथ पैरा मेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हैं। पैरा मेडिकल कोर्सेज में आपका आता है फिजियोथेरेपी, DMLT, BMLT, BSc नर्सिंग, न्यूरोफिजियोलॉजी, ऑडियो फिजियोलॉजी एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये सारे कोर्सेज आपके 2 से 3 साल के हैं और इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है जॉब के, क्योंकि आप जहाँ से ये कोर्स करेंगे आपको जॉब वहीं तुरंत मिल जाएगा। और इसकी सैलरी भी अच्छी है, इसकी सैलरी है 18,000 से 20,000। सो आपको पैरा मेडिकल कोर्सेज ज़रूर करने चाहिए बीएससी के साथ साथ। इसके बाद से सबसे बड़ी बात आपको बताती हूँ बीएससी के बेनिफिट्स क्या हैं। बीएससी के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो तैयारी करते हैं, एसएससी की तैयारी करते हैं, रेलवे की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं। सो अगर आप भी गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो इन सब की तैयारी ज़रूर कर रहे होंगे। सो क्या होता है, जब बच्चे इसकी तैयारी करते हैं तो उनकी जो साइंस स्ट्रीम है उसमें नॉलेज बहुत ज़्यादा होती है और वे आसानी से कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है जॉब के वो हैं आपके लाइक इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में भी बीएससी से आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं। कैसे, क्योंकि अगर डायरेक्ट जब आप क्लास 12 की बात करेंगे तो आपको प्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद आप जब स्टार्ट करेंगे तो आपको प्री एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट मेंस का पेपर देना होगा। इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा आसानी पड़ता है। आप ग्रेजुएशन के बाद भी इसे करना चाहें तो आसानी से कर सकते हैं, इसके लिए बहुत सारे कोर्सेज हैं। इस वीडियो में मैं बस आपको यही बताना चाहूँगी कि आप बीएससी के साथ साथ कोर्सेज स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके सर पे बर्डन ना हो, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल आने पे बच्चों के अंदर ये होता है कि अपनी फैमिली की सपोर्ट करें, उनकी हेल्प करें और जितने भी उनके खुद के खर्च होते हैं वो खुद उठाएँ। सो इसीलिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं लाइक सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं कहती हूँ, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे अच्छा लगेगा कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी संख्या दिन पे दिन बढ़ रही है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।